गाइस आज का वीडियो बहुत ही यमी होने वाला है क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 डिफरेंट ब्रांड के पिज़्ज़ा जो मैंने ऑर्डर कर दिया है स्वैगी से, जो मेरे घर आ चुके हैं। तो फुल रिव्यू होने वाला है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ 3 पिज़्ज़ा, 3 अलग अलग ब्रांड के पिज़्ज़ा मैं आज कंपेयर करने वाली हूँ, जिसमें है शिकागो पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा हट। ये तीनों पिज़्ज़ा मैंने अभी ऑर्डर किया है। मैं इनके पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी, कितने देर में ये पिज़्ज़ा मुझे डिलीवर हुआ है एंड इनका टेस्ट कैसा है, इनकी टॉपिंग्स कैसी है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा की, ठीक है? तो इसे थोड़ा ओपन करते हैं। ये मुझे डिब्बा रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट पिज़्ज़ा है डोमिनोज पिज़्ज़ा, इसे मैं ओपन करती हूँ। बॉक्स काफ़ी अच्छा है और इस पर आपको सेफ्टी स्टिकर भी मिल जाएगा। तो ये स्टिकर निकालते ही हमारा जो बॉक्स है वो ओपन हो गया है। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा कलरफुल है। इस पिज़्ज़ा का नाम फार्म हाउस पिज़्ज़ा है एंड बहुत सारी वेजिस है इसमें। एक्चुअली मैंने तीनों वेज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किए हैं। इसके अंदर आपको मशरूम, कैप्सिकम, टमाटो, ओनियन, इस तरह की वेजिस मिल जाएंगी। एंड आपको बता दें, इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये पिज़्ज़ा था 479 का और ये मुझे 469 का पड़ा है, यानी कोई भी खास डिस्काउंट इस पिज़्ज़े पर मुझे रिसीव नहीं हुआ है। बट ये पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रहा है देखने में। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये पेपर बैग में रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है पेपर बैग पर। और अंदर ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। बॉक्स तो है वो लगभग ओपन ही ओपन है, ठीक है? और इस पर कोई सेफ्टी नहीं है। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। तो ये है पिज़्ज़ा हट का मैगरीटा पिज़्ज़ा। एंड आपको बता दें, इसकी जो रेंज थी वो 319 रुपये, 390 की थी और 289 का ये मुझे रिसीव हुआ है। और ये लगभग 30 मिनट में मुझे रिसीव हुआ है। बट इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैगरीटा पिज़्ज़ा में मुझे लगता है कि चीज़ और होना चाहिए। एक लेयर, 2 लेयर होती है, बट इस पिज़्ज़े की जो लेयर है वो 1 लेयर है और देखने में तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है। तो गाइस, मैं अब लास्ट में ट्राई करने वाली हूँ शिकागो पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये पेपर बैग में मुझे रिसीव हुआ है। अंदर ये रहा इसका बॉक्स, तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। वाओ, आपको बता दूं, मैंने जब इसे कैरी किया तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी पिज़्ज़े से ये काफी ज्यादा वेट का है, यानी वो बहुत ज्यादा लाइट थे, ये काफी हैवी है। तो चलो इसे ओपन करती हूँ। और इसके पैकेजिंग की बात करें, इसके बॉक्स की बात करें तो इसकी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी कंपेयर करते हैं बाकी पिज़्ज़ा से तो इसके बॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि इसके बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यस, तो ओपन करते हैं ऐसे। तो ये है हमारा आज का लास्ट पिज़्ज़ा शिकागो पिज़्ज़ा का। चलो इस बॉक्स को ओपन करते हैं। और ये है हमारा कढ़ाई पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। एंड आपको बता दें, बॉक्स ओपन होते ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहुत अच्छी तरह से चीज़ और पनीर का इस्तेमाल किया गया है इस पिज़्ज़ा में। एंड इसके ऊपर आपको एक सेफ्टी स्टैंड मिल जाता है, जो बॉक्स की लेयर है आपस में टकराती नहीं पिज़्ज़ा के ऊपर एकदम से। होता है ना अक्सर हमारा पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग्स होती है वो बॉक्स में लग जाती है, बट इसकी पैकेजिंग में ये जो ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड आपको बता दें, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज थी 467, बट ये मुझे 120 रुपीज़ ऑफ में मिला है 374 का। तो जितने भी पिज़्ज़ा है, सबसे अच्छी छूट के साथ, ये डिस्काउंट के साथ ये पिज़्ज़ा मुझे रिसीव हुआ है। तो ये था शिकागो पिज़्ज़ा का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा पिज़्ज़ा। आप इसका कलर देखो ना, कितना प्यारा गोल्डन कलर है। एंड इसके जो टॉपिंग्स है ना, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई है। चीज़ और पनीर का भर भर के इस्तेमाल किया गया है। और जो मैंने बाकी पिज़्ज़ा डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के जो ट्राई किए हैं, उसमें केवल वेज का इस्तेमाल किया गया था, सब्जियों का इस्तेमाल किया गया, नॉर्मल सब्जियाँ थी। पर डोमिनोज का पिज़्ज़ा 469 का था,
उसमें पनीर या इतनी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा था, मैगरेट पिज़्ज़ा था, मैगरेटा पिज़्ज़ा था, उसमें डबल लेयर चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, केवल सिंगल लेयर चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। बट ये 374 रुपए में मुझे मिला है और चीज़ और पनीर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। एंड ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एंड आपको बता दें काफ़ी वेटेड है ये। और ये पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ के तीनों पिज़्ज़ा थे, पर ये पिज़्ज़ा देखने में सबसे ज़्यादा बड़ा था। तो तीनों पिज़्ज़ा ओपन हो गए हैं मेरे सामने, इनकी मैप से मैं बता रही हूँ मैं रुक नहीं पा रही हूँ, इतने देर तक मैंने कैसे कंट्रोल किया। तो सबसे पहले हम लोग ने डोमिनोज की बात की थी, जो पिज़्ज़ा है ये है फार्म हाउस पिज़्ज़ा, तो इसे मैं ट्राई करती हूँ। आपको पता है तीनों वेज हैं, ठीक है, मैंने नॉनवेज एक भी ऑर्डर नहीं किया है। तो सबसे पहले इसके बेस एंड टेस्ट की बात करें, काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, क्वालिटी तो आपने डोमिनोज ट्राई की होगी, अब वो क्वालिटी पता ही होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, मैगरेटा पिज़्ज़ा, बेस की कंपेयर करें तो दोनों का बेस लगभग एक है। मैंने पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया क्योंकि एक ही मंगा लेते तो बोर हो जाते हैं इसलिए, लेकिन बेस दोनों का सेम है और चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब ये है कढ़ाई पनीर पिज़्ज़ा, तो ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है, बेस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट शिकागो पिज़्ज़ा का लगा क्योंकि इसका बेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेट की बात करें तो रेट जो ये है डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करेंगे तो ये जो पिज़्ज़ा है ये मुझे मिला है 469 रुपीज़ का, और ये जो पिज़्ज़ा हट है वो मुझे मिला है 289 का। ये मैगरेटा पिज़्ज़ा मुझे रिसीव हुआ है, एंड ये जो कढ़ाई पनीर पिज़्ज़ा है ये मुझे मिला है 374 का। वैसे इसकी जो रेंज थी वो है 465 का, पर ये मुझे मिला है 374 का, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया पनीर कढ़ाई पनीर पिज़्ज़ा। क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा है ये दोनों ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट हाँ कढ़ाई पनीर पिज़्ज़ा थोड़ा महंगा होता है, तो पनीर बेस पर ये पिज़्ज़ा है इसे थोड़ा महंगा है, पर इसलिए मुझे बहुत 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 अच्छा डिस्काउंट लगा, 120 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला। तो ये मैंने अपने हिसाब से कंपेयर किया है तीनों पिज़्ज़ा का। आई होप आप पिज़्ज़ा लवर हैं तो आपने सब कुछ ट्राई किया हो, पर या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मैंने स्विगी से मंगाया था, आपको बता दें ये मुझे 30-30 मिनट लगभग 35 या 30 मिनट तक मुझे रिसीव हुए हैं ये दोनों पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एंड डोमिनोज। एंड ये जो मुझे पिज़्ज़ा रिसीव हुआ है ये मुझे केवल 20 मिनट में रिसीव हो गया था। तो आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है या आप कौन सा पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और आई होप ये जो रिव्यू वीडियो है कंपेयर वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड पहली बार जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तय मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लो जय हिंद जय भारत।